डॉक्टर शाहीन खान। दानियल का एडमिशन अभी आईआईटी खड़गपुर में हुआ है। अंत में जैसे दानियल के पापा का डेथ हो गई है, तो उसके बाद से बहुत प्रेशर में था वो। बच्चे ने जिस तरह से कैरियर जोन की वजह से जो परफॉर्म कर पाए हैं, उसमें कैरियर जोन का बहुत बड़ा हाथ है। हर बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अच्छे हैं उसी को अटेंशन दे रहे, बाकी बच्चे को नहीं। हर बच्चे को एक साथ कुछ फ्लक्चुएट हुए मार्क्स तो बच्चे कैसे परेशान हो जाते हैं। तो वो जो पढ़ाते हैं, जो उसके अलावा वो बच्चे को जो मॉरल सपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा अहम, बहुत अहम है। वो बच्चे फैकल्टी बहुत अच्छी है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के। 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी भी किया वहीं पर करता था, मैक्सिमम उसकी पढ़ाई जो है ना वहीं पर होती थी। डॉक्टर शाहीन खान। दानियल का एडमिशन अभी आईआईटी खड़गपुर में हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात है, और उसमें कैरियर जोन का बहुत बड़ा हाथ है। तो दानियल ने तो अपनी मेहनत जो करा है, मतलब बच्चे जो करते हैं वो तो है, लेकिन कोचिंग गोंदिया जैसे शहर में जो कैरियर जोन ने, कैरियर जोन की वजह से जो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिली है, या जो बच्चे ने जिस तरह से कैरियर जोन की वजह से जो परफॉर्म कर पाए हैं, उसमें कैरियर जोन का बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों की मेहनत तो खैर अपनी जगह है। दानियल को जब 10th का एग्जाम हुआ, तो उसके जो टीचर्स थे, विवेक मंदिर से किया है दानियल ने, तो उसके टीचर्स का भी कहना यही था कि बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप उसको बाहर भेजिए, बाहर ज्यादा ज्यादा कॉम्पिटिशन में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकी इतनी कम एज में बच्चे को भेजने की। और कैरियर जोन में जो है, इससे पहले मेरी बेटी भी मतलब कोचिंग ले चुकी है जहाँ सर से, तो मैं सर को जानती थी पहले से। मुझे मालूम है कि सर हर बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अच्छे हैं उसी को अटेंशन दे रहे, बाकी बच्चे को नहीं। हर बच्चे को एक साथ मतलब सर करते हैं मेहनत, तो मुझे इस बात का अंदाजा था। फिर मैंने छा सर से मिली और सर को बताया एक कोचिंग के लिए, तो इसीलिए मैंने कैरियर जोन को ही चुना, क्योंकि एक बार पहले भी बच्ची पढ़ चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उससे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है गोंदिया में। और भी रणजीत सर और झा सर, रणजीत सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं और झा सर जो फिजिक्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे पढ़ाते ही हैं, लेकिन कैसा होता है ना कि बच्चे जो 2 साल से एक साथ कंटिन्यूअस एक साथ परफॉर्म करना, एक साथ बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना बच्चों के लिए मतलब इम्पॉसिबल है इतने सब्जेक्ट्स में। तो कई कई बार बच्चे थोड़ा कम ज्यादा हो गए, कुछ फ्लक्चुएट हुए मार्क्स, तो बच्चे कैसे परेशान हो जाते हैं। तो वो जो पढ़ाते हैं, जो उसके अलावा वो बच्चों को जो मॉरल सपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा अहम, बहुत अहम है वो बच्चों के लिए। सभी फैकल्टी बहुत अच्छी है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के। मतलब मैं तो हमेशा ही मिलती हूँ सर से जाके, जो भी बच्चों को कभी प्रॉब्लम रही, कुछ मुझे ऐसा लगा कि दानियल को कुछ कभी प्रॉब्लम हो रही है, तो दानियल से उनको बगैर बताए भी मैं कई बार सर से मिलने चली जाती थी कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है सर। और वो मतलब आप खुद ब खुद वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो करते हैं सॉल्व कोशिश। हाँ, दानियल का 10th में जैसे दानियल के पापा का डेथ हो गई है, तो उसके बाद से बहुत प्रेशर में था वो 10th और 12th, मतलब 11th 12th। मुझे भी ऐसा लगता है कि कैरियर जोन के अलावा कहीं और पढ़ाते तो शायद इतना मॉरल सपोर्ट बच्चों को नहीं मिलता जितना रंजीत सर और झा सर ने दिया है। और उसके अलावा जो 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, वो बहुत बड़ी बात है कि हर वक्त बच्चों के साथ तैयार रहते हैं कि कब किस चीज़ की सपोर्ट की जरूरत है, पढ़ाई में या बच्चे कुछ प्रेशर में है, तो उस वक्त भी जो सपोर्ट की उनको जरूरत रहती है तो वो अवेलेबल रहते हैं सर दोनों भी। दानियल की पढ़ाई, दानियल ने जो भी किया है वो सेल्फ स्टडी कैरियर जोन में ही, क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी भी करता था वो वहीं पर। कई बार 11 बजा रहे, कभी सुबह से चले जा रहे अर्ली मॉर्निंग में, मतलब ऐसे। और सेल्फ स्टडी भी किया वहीं पर करता था, मैक्सिमम उसकी पढ़ाई जो है ना वहीं पर होती थी। मतलब बच्चे जो कुछ डिस्कस करना रहा सर से या कुछ प्रॉब्लम रही, तो वहीं के वहीं सॉल्यूशन सर लोगों से बात करके हो जाती थी। तो बच्चों को, और वो माहौल वहाँ पे जो बच्चों उन्होंने क्रिएट किया हुआ है सर ने ना पढ़ाई का, तो वो बच्चों को खुद ब खुद, मुझे ऐसा लगता है कि उससे खुद ब खुद मुतासिर होते हैं, बच्चे खुद ब खुद कोशिश करना चाहते हैं ऐसा लगता है।